या तो आप सोच सकते हो कि एक सामान्यतया जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि सब के सब लोग नहीं होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर आप देखेंगे, क्योंकि उनके पास उतना समय कहाँ मिल पाता है कि वो पढ़ेंगे, सुबह से शाम तक खेल में प्रैक्टिस करते हैं। ये ठीक है, उसको मानद उपाधि ढेर सारी मिल जाते हैं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा थे ऐसे व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने में भी उनकी जो विद्वता है वो किसी से, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में वो कम नहीं रहा है। मैं किसी की तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन ये किसी से कम नहीं रहा। अगर आगे नहीं भी रहे होंगे तो उस जमाने में किसी से कम नहीं रहा। इस बात को, ये बात ये भी दर्शाता है कि अगर आज हमारे गांव में जो बच्चे रहते हैं, जंगलों में जो बच्चे रहते हैं, जिसको हम ट्राइबल कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, या जनजाति कहते हैं, या एकदम गांव सुदूर में, और उस समय टकरा गांव कैसे रहा होगा तो आप समझ सकते हो, उस समय की बात 1900 के बाद की तुरंत घटना, तो आज और उस समय की जब तुलना करें, और गांव से बच्चे को निकाल करके वहां जाकर के इतने बड़े प्रतिभावान वो तैयार होना, यानी आज भी अगर हमारे बच्चों को माराम गोमके के जीवन को पढ़ेंगे और उनको अवसर मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि झारखंड में होनहारों की कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए हमने कहा कि एक पार्ट तो उनकी जरूर, ये जो विद्यार्थी जीवन से लेकर के खेल जगत तक की, जो इंग्लैंड में जो रहे, तो हमें लगता है कि उसको एक रिसर्च करना चाहिए। अगर किसी को जाना हो तो वे इंग्लैंड जाना चाहिए, जा करके थोड़ा से लाइब्रेरी में, बाकी जहाँ वो पढ़े लिखे हैं तो और सारे वहाँ खेल कूद किए होंगे, तो कुछ ना कुछ मेहनत करना चाहिए, उसमें से हमारे भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा संतोष जी तो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी इसको जान सके। नहीं तो माराम गोमके जयपाल सिंह का जिस प्रकार से लोग जानते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अधूरा लोग जानते हैं और बहुत ही गलत ढंग से लोग जानते हैं। उनको एक पृथकतावादी आंदोलनकारी के रूप में, कि वे देश से उसको अलग करना चाहते थे इस रूप में, चूंकि आदिवासियों का नेतृत्व करते थे। फिर दूसरा फेज होता है राजनीतिक जीवन का, आदिवासी महासभा से लेकर के जो पॉलिटिकल जीवन तक होता है, उनकी जो संघर्ष किए उस समय, जितने भी संघर्ष किए, ये एक, और फिर पार्लियामेंट के जीवन का जो होता है उस समय भी जो भाषण, संविधान की सभा में भाषण, हमें लगता है कि ये दो तीन हिस्सों में हम इसको बांट करके हम अगर मेहनत करें तो, और सरकार से भी हम सब लोग प्रयास करें, जैसे अभी आप बताए कि जयपाल सिंह मुंडा का जो नाम से एक स्टेडियम था उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब तो लगता है कि फिर वहाँ स्टेडियम तो शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जब इतने सारे महापुरुषों के नाम से इतने सारे कुछ बन रहे हैं, और जो झारखंड राज्य के जो प्रणेता जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने बुनियाद डाली, और उसको ही हम विस्मृत कर जाएं तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, और इतिहास के साथ एक प्रकार से अपमान है। और लोग कहते हैं ना कि जो अपना जिस समाज का या जिस देश का, प्रदेश का कोई इतिहास नहीं होता है, जिस जातियों का, तो वो भविष्य को भी वो कोई गढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ तो अतीत में अनेक सारे महापुरुष पैदा हुए, बिरसा मुंडा को भी हम लोग जानते हैं तो इतना ही कि भाई भगवान बिरसा मुंडा थे, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए, लेकिन उसकी भी आज तक कोई पाठ्यक्रमों में या हमारे बच्चे उसको विस्तृत रूप से जान सके ऐसा कहीं कोई सामग्री उपलब्ध आज भी नहीं है। यानी एक छोटी छोटी कहानी के रूप में, यानी बच्चों के जिसको कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को कोई चॉकलेट देते हैं, लेमन जूस देते हैं जब बच्चे होते हैं, तो उसी टाइप के हम उसको भी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे कि भाई क्या भगवान बिरसा मुंडा, उसमें बिरसा मुंडा एक लकड़हारा थे, बाघ को मारा, तो यानी कपोल कल्पना जिसको कहते हैं ना, ऐसे वास्तविक जो एक वीर थे, एक योद्धा थे, देश के लिए लड़ा, समाज के लिए लड़ा, उस प्रकार की कोई बच्चों को हम कहीं ज्ञान दे नहीं पाते। इसलिए हम ये कहा है कि भाई हमें माराम गोमके जयपाल सिंह के इतिहास के बारे में हमें लिखना, और आज आप देखेंगे देश के अंदर में भी शायद ध्यानचंद भी उसी समय खेले थे, सेकंड मैन था, और उनके नाम से दिल्ली में या अवार्ड भी चलता है या उसको क्या कहते हैं, वहाँ स्टेडियम भी है, लेकिन जिसके वो कैप्टन थे और खेल के वो कैप्टन, नेतृत्व भी किए और